दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अनोखी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ पकौड़े वाले अपने हाथ से पकौड़े तलकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये शख्स कितने आराम से गर्म तेल में हाथ डालकर पकौड़े को निकाल रहा है। दोस्तों देखने में ये शख्स ऐसा लग रहा है कि मानो ठंडे पानी में हाथ डाला है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस शख्स गरम तेल में हाथ डाला है। आपको ये वीडियो देखने के बाद यही लग रहा होगा कि कोई जादू है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक विज्ञान है। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस छुपी हुई है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। जैसा कि आपके स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है, इतने गर्म तेल में हाथ डालने से इनका हाथ नहीं जलता है और ना ही उनके हाथ में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। ये लोग बड़े आसानी से गरम खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़े तलते हैं। दोस्तों इससे होता क्या है कि उनकी दुकान पर बहुत ही भीड़ लगी रहती है, इसी के जरिए वह बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आपको यह देखकर कोई चमत्कार लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सब अभ्यास और जो हम बताने जा रहे हैं उस ट्रिक का कमाल है। लेकिन इस ट्रिक को करने से पहले बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। इस ट्रिक को करने के लिए कम से कम एक महीने का अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। दोस्तों आपको बता दें इसे जल्दीबाजी या एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं यह ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को अपनाकर पकौड़े वाले अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें गरम तेल में पकौड़े तलने वाले सबसे पहले हाथ से पकौड़े के वेंटर को गरम तेल में डालते हैं। उसके बाद एक बर्तन में ठंडा पानी भरकर रख लेते हैं। जैसे ही पकौड़े वाला पकौड़े के वेंटर में हाथ डाल के पकौड़ा डालता है और उसी हाथ को जल्दी से बर्तन में रखे हुए ठंडे पानी में हाथ डालकर या हाथ गीला करके गरम खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़ा निकाल लेता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जब पकौड़े वाला पकौड़े के वेंटर मतलब कि कड़ाही में हाथ डालता है तो उसके हाथों का टेम्परेचर कम हो जाता है, और वह जब ठंडे पानी में हाथ धोकर गर्म तेल में पकौड़े निकालता है तो उसके हाथों का टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है। उसके हाथों में एक पानी की परत आ जाती है, तेल और पानी का कोई मेल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पानी और तेल कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। जितने बार भी वह गर्म तेल में हाथ से पकौड़े निकालता है उससे पहले वह ठंडे पानी में हाथ जरूर डालता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराता है जिसके कारण उसका हाथ नहीं जलता है। जैसे ही ठंडे पानी में हाथ धोकर गर्म तेल में हाथ डालकर पकौड़ा निकालते हैं तो आपको बता दें उसका कारण यह है कि हाथ में पानी लगे होने के कारण गर्म तेल हाथों तक पहुँचने से पहले ही हम पकौड़े निकाल लेते हैं। यह काम बहुत ही जल्दी जल्दी और अभ्यास के कारण ही हो पाता है। यह काम पकौड़े तलने वाले सुबह से शाम तक करते रहते हैं, इसीलिए दोस्तों उनके हाथों को गर्म सहने की भी आदत हो जाती है। लेकिन आप सभी लोग गर्म खोलते हुए तेल में अपना हाथ ना डालें, क्योंकि उससे आपका हाथ जल सकता है। जो लोग गर्म तेल में पकौड़े तलते हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है और वे लोग अभ्यास भी करते हैं। दोस्तों गर्म तेल में हाथ डालने का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लोग रिस्क भी लेते हैं क्योंकि उनसे उनका दुकान बहुत अच्छा चलता है। दूर दूर के लोग देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके से ये इंसान गर्म तेल में हाथ डाल देता है। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितने आसानी से और हंसते हंसते ये आदमी गर्म तेल में हाथ डालकर पकौड़े निकाल रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोग जान गए होंगे ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक छोटा सा विज्ञान छुपा हुआ है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। जिस तरीके से पानी और तेल कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, इसी तरीके से खोलते हुए तेल में पकौड़ी वाला पहले अपने हाथ को ठंडे पानी में डालता है, फिर उसके बाद खोलते हुए तेल में डालता है, जिससे कि उसके हाथ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसका हाथ नहीं जलता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको तो मालूम है दुनिया विज्ञान पर टिकी हुई है। आज विज्ञान इतना आगे हो गया है कि हर कुछ संभव है।
दोस्तों खौलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़ी निकालने वाला ट्रिक आज से पहले आपने देखा था या इसके बारे में आपको मालूम था, आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।